हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए मम्मी कह रही थी कि आज पोहे बना लेते हैं। काफ़ी टाइम बाद बने हैं, मतलब दादाजी के टाइम पे बने थे, उसके बाद हमने नहीं बनाए। बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो आज हम बनाएंगे पोहे। आज हम बना रहे हैं पोहे, और ये है पोहे वाली कढ़ाई। इस पर जंग लग रही है क्योंकि रखी रहती है, कभी यूज़ में नहीं आती। हमने बनाए थे पूरे दादाजी के सामने बनाए थे कि हम आज बना रहे हैं, क्योंकि आज मम्मी का मन है पूरे खाने का, तो मैं पूरे बना रही हूँ। इसको क्या कहते हैं, लो एफर्ट्स। ओह वाओ, ये तो बहुत चमक गया गाइस। अरे वाओ, पूरे बना रहे हैं गाइस, इससे ज्यादा रंगीन हो गया। ये खराब हो रही है, इसको भी भूलेंगे गाइस। हमें पता नहीं था गाइस कि ऐसा भी है। आपको पता था? अरे हमने चेक नहीं किया, सॉरी। मैं लगा कि ठीक है, छूट गई। इसमें क्या तेल लगा के रखना चाहिए हमको, हमेशा तेल लगा के रखते हैं, जंग नहीं होती। सारे बर्तनों में? सारे में नहीं, सिर्फ इसमें। ये सिर्फ ऐसे पुए वाली में। अच्छा, थोड़ा सा तेल लगा। पुए का अलग होता है क्या? ये पुए की तो अलग ही होती है। ये दादाजी के सामने। तो ये किस चीज से बना है? वो सरियाओं से बनाई गई है, सरिया वाले मटेरियल से। हम कढ़ाई भी उसी से बनी है, शेप की बात रहती है। तो शेप की बात रहती है, मटेरियल भी यही वाला यूज होता है। हाँ, ये वो है ना, लोहा। हाँ, लोहा वाली तो वो भी है, पर वो पूरी पूरी के लिए नहीं वाली। तो ये अलग है। हाँ, अलग तो लग रही है। भटकने न बावरे इन गुनगुनाती राहों में। ये आ रहा है यार, पर लिरिक्स नहीं आ रहा। नहीं आता इतने अच्छे से। चलो गाइस, ये हो गया हमारे पुए का बैटर और ये ऑयल तैयार। अब हम सेक लेते हैं पुए। रुकी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा। सबसे पहले मैं छोड़ देती हूँ भोग के लिए, भगवान जी के लिए, फिर सूरज जी और राजवीर जी के लिए। दो पुए बना देती हूँ, पहले भगवान जी के लिए और बाबा के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ टेस्टी टेस्टी पुए, और अंशु आरोही के साथ खेल रही है, और मैंने काफ़ी टाइम बाद ही पुए बना रही हूँ। और सबसे पहले जो पुआ बनाते हैं वो हमारे यहाँ मतलब बाबा के लिए छोड़ते हैं, पूर्वज के लिए, और वो अग्नि पे छोड़ते हैं। और उसके बाद जो पुआ रहता है वो मैं सूरज जी और राजवीर जी के लिए, और एक मेरे कान्हा जी के लिए जो मैं पूजा करती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे सारे पुए छोड़ रही थी, मेरे को लग रहा था कि बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, क्योंकि टाइम हो जाता है तो आदत नहीं रहती। और बट मेरे पुए बहुत ही अच्छे बने थे। सबसे पहले मेरे बाबा का, भगवान जी का नाम ले लेते हैं, जो भी ऐसा मीठा कुछ बनाते हैं हम। और ये देखो, मैंने बहुत छोटे छोटे पुए बनाए हैं, क्यूट क्यूट से बने हैं, और बहुत ही सॉफ्ट बने थे, अच्छे बने थे, एक ही बार में आ गए थे, वरना मुझे लग रहा था कि बन नहीं पाएंगे, पर बन गए थे बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हम ऐसे लगाते हैं दादा मतलब बाबा के लिए, दादाजी ने बाबा के लिए, पूर्वज के लिए यहाँ पे अग्नि में लगा देते हैं, एक एक कन्नू का चढ़ा देते हैं। मम्मी बोलती हैं ऐसे। कान्हा जी के लिए ऊपर रखे हैं मंदिर में, रखा ना, पूजा में कर दूंगी आके, है ना, रखाओ। गाइस, अभी मैं पूजा कर देती थी, पूजा तो वो कर गई, आज पूजा कर गई मेरी अंशु,
वो सुबह ही नहा ली थी स्कूल के टाइम पे, तो वो पूजा कर गई, कान्हा जी को भी नहा कर गई। तो आज हम बना रहे हैं कढ़ी, और उससे पहले मैंने डाला जीरा और क्या बोलते हैं इसको, मेथी। और ये ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि जल जाती है, इनके साथ में भी भून जाएगी। फिर डाला मैंने लहसुन, क्या चाहिए बिटू को? कड़ी अभी तो उबलेगी कम से कम आधा घंटा। और गाइज मेरी कढ़ी बन रही है, और आज शाम को अम्मा नहीं आई थी, इस वजह से मतलब शाम को झाड़ू मैं लगा रही हूँ। वैसे अम्मा लगाती हैं, और बारिश हो रही है दो दिन से, इस वजह से तो वो नहीं आ पाई, सुबह आ जाएंगी वो। और यहाँ पे आ रही है, इतना परेशान कर रही है, बार 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 मेरे पीछे आ रही है। मैं उसको भेज रही हूँ कि इससे खेल लो, उससे खेल लो, इससे खेल लो, फिर उसको बाहर मम्मी के पास छोड़ के आती हूँ, फिर आ जाती है। और गाइज़ आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि नया मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं यही लाइफ है। हाँ बेटू, और यहाँ पे मेरी कढ़ी बन रही थी, और हमने स्लिप वगैरह साफ़ की, फिर हम बर्तन भी करेंगे क्योंकि आज अम्मा नहीं आई है इस वजह से। वैसे मैं नहीं करती हूँ रोज, अम्मा करती हूँ। बेटू क्योंकि एक लाइक तो बनता है ना आरू के लिए, किचन को बनता है ये जी। चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी। हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कपड़े को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आरू आरू बहुत अच्छा प्यारा बोलती है, बहुत प्यारा बोलती है, बहुत ही स्वीट सा नेचर है मेरी आरू का, और बहुत ही प्यारा सब बोलती है ना आरू। और गाइज मीशो पे फर्स्ट संडे महासेल चल रही है, उसमें आपको क्लॉथ पे मिलेगा 70% ऑफ, और क्लॉथ बच्चों के कपड़े होते हैं उन पे 60% ऑफ, और ज्वेलरीज पे 90% ऑफ। बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, हमने स्टोरी डाली, मैंने भी डाली, अंशु ने भी डाली है, तो आप हम दोनों के इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर देखें, बहुत बेस्ट ऑफर है। जो चीज़ आपको 500 की मिल रही है वो आपको 300 में मिलेगी ऐसे करके, ठीक है? तो जाएँ जरूर चेक आउट करें। आज देखो कितने सफाई वाले, अरे बेटी मेरी ऐसे कर दो, सफाई करो, लगाओ लगाओ लगाओ, अपने आप धो धो के धो धो के। अरे कौन आया है, कौन आया है? बुआ आ गई। बस 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 ऊपर नहीं चढ़ने, इधर हाथ पूछ के आई, कुछ नहीं लाया। अरे वो धो गई, डट्टा देके गया है। सो गाइस मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम की रील में देखा था कि कुछ बच्चे ऐसे अपने बालों को फंसा लेते हैं, पर वो मेरी अंशु ने भी कर दिया, हंसी भी आ रही थी, एक तरफ से बुरा भी लग रहा था। और पता है बहुत गंदे तरीके से उसके बाल फंस गए थे, बहुत गंदे तरीके, एक घंटे तक तो वो खुद ही लगी रही, उसने बताया भी नहीं मुझे कि मेरे ये हो गया। लास्ट में जब उससे हुआ नहीं तब वो मेरे पास आती है, और मैंने पूरी कोशिश करूँ पर वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे, बिल्कुल भी। और उसके इतना दर्द हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, और ये फ्रंट वाले बाल ही हुए थे। मैं पूछ रही थी क्यों किया, तुम बोलती है कि मैं ना उसमें वीडियो में देख के वो कर रही थी अपने बालों को, बट बहुत बुरी हालत हो गई थी गाइस। शायद ऐसे करके निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे ऐसे, तो ज़्यादा फंसा रही है, कोशिश कर। पर देखो ये क्या अंदर भर रहा है, मैं कह रही हूँ ये जो चीज़ है ना ये हो जाएगी ना तो सही हो जाएगा। ये गोल गोल है ना, इन गोल गोलों को निकाल दो, काटो इनको। हाँ गोल गोल को काट दो नेल कटर से। फिर अंशु ने मुझसे बोला कि ये जो इसके कंघे के वो है ना स्टिक्स जो है वो हमने काटी फिर कंघे से, बुआ की ताता हो गई। हाँ ताता हो गई थी, फिर मैंने वो नेल कटर से एक 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 पूरे उसके डंडे से। हाँ बुआ की ताता हो गई थी, आप मत करना कभी, ठीक है आरोही? तो उसके बाद मुश्किल से थोड़े बहुत निकले भाई साहब, मैंने ये भी काट दिए, पर वो फंसे ही इतने गंदे तरीके से कि मैं क्या बोलूं। ए? अच्छा क्या करें? फिर मतलब थोड़े बहुत बाहर निकले थे, और जो बोले निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे,
फिर हम लोग इंस्टा पे थोड़ी देर के लिए लाइव गए थे, काफ़ी लोगों से पूछा कि अब हम करें क्या, तो किसी ने बोला ऑयल उसमें डाल के फिर तब निकल पाएंगे, किसी ने बोला सीरम, तो फिर हमने सीरम डाला, थोड़े से सॉफ्ट हुए तब जाके वो बाल निकल पाए, बहुत ही मुश्किल से बाल निकले थे, बहुत मुश्किल से। मतलब आरुवंशी बोलती है कि भाभी आगे वाली बाल मेरे ख़राब हो रहे थे, पहले ही मेरे बाल इतने नहीं हैं, बट थैंक गॉड वो निकल गए। हम करेंगे, आप इंस्टाग्राम पे हमारी लाइव देख लेना, बाल निकल गए। और नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस।